अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने एलईडीज को कंट्रोल किया था। पहले हम लोगों ने एक एलईडी को ऑन ऑफ किया, फिर हम लोगों ने कंजक्टिव दो एलईडीज को ऑन ऑफ किया, फिर हम लोगों ने एक एलईडी को ऑन किया, दूसरी एलईडी को ऑफ किया। इस तरीके से हम लोगों ने आर्डिनो पर काम किया। फिर उसके बाद हमने आरजीबी वाली जो एलईडी, उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर कंट्रोल किया। अब हम लोग क्या करते हैं, एलईडीज को कंट्रोल करते हैं और किस तरीके से यहाँ पर, अगर मैं जैसे वन इनपुट करूँ वो एलईडी वन ऑन हो जाए, टू इनपुट करूँ एलईडी टू एलईडी वन ऑफ हो जाए, थ्री इनपुट करूँ तो दूसरी एलईडी जो है वो ऑन हो जाए, तो मैं चार इनपुट करूँ तो दूसरी एलईडी ऑफ हो जाए। तो कोड करते हैं होम ऑटोमेशन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हमारे पास मौजूद है उनके लिए काम आता है। मैं इसको जरा आपसे रिपीट कर लेता हूँ। दूसरा, यहाँ पर हम ब्रेडबोर्ड का भी साथ के साथ यूज कर लेते हैं। ये ब्रेडबोर्ड हमारे पास मौजूद है, मैं मिनी ब्रेडबोर्ड ला रहा हूँ। क्लिक किया मैंने कि आ गया ब्रेडबोर्ड, और इसको मैं यहाँ से इधर इस तरफ ले आया, और साथ में इसको मूव करने के लिए हम आर प्रेस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसकी इनका जो स्ट्रक्चर है ना वो यहाँ से इस तरीके से पिन जाती है। ठीक है, ये पिन स्ट्रक्चर हमारे पास में, बल्कि मैं क्या करता हूँ फुल ब्रेडबोर्ड है वही निकाल लेते हैं हम लोग, कि आप लोगों को नजर आए कि फुल ब्रेडबोर्ड हमारे पास, ये फुल ब्रेडबोर्ड होता है। ओके, मैं इसको रोटेट करने लगा हूँ तो ये पूरी स्क्रीन पर आएगा नहीं, तो ये देखिएगा हमारे पास फुल ब्रेडबोर्ड है हमारा। ठीक है, अब इसकी जो वायरिंग, अगर यहाँ से मैं कुछ चीज कनेक्ट करूँ तो ये सारा फ्लो करंट का इधर इस तरीके से जाएगा, और सेम इसी तरीके से, और यहाँ पर क्या है जब मैं इधर कोई कनेक्ट करूंगा तो ऐसे फ्लो जाएगा। ठीक है, इधर भी ऐसे फ्लो जाएगा और इधर इस तरीके से, दो डायरेक्शन हमारे पास इस तरीके से हमारे होते। अब क्या है कि हमें ये पता है कि एलईडीज को एक तो ग्राउंड मिलेगा दोनों को एलईडीज को, दूसरा हर एक एलईडी को अलग पिन से एक वोल्टेज भी मिलेगा। ठीक, ग्राउंड दोनों का कॉमन है। तो मैं यहाँ से एलईडीज निकाल लेता हूँ। जैसे मैं एलईडी गया है कि यहाँ पर मौजूद है मेरे पास एलईडी, फिर हम लोग देखेंगे हमने इसको किस तरीके से, लाइक ये देखिएगा मैं एलईडी को यहाँ पर कनेक्ट किया। ठीक है, और इसको इधर, इसको जरा ऑफ कर दूँ। इसके बाद इसको मैंने इधर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी हमारी जो नेगेटिव वायर है वो यहाँ पर लग गई और पॉजिटिव वायर यहाँ पर लगा दी। हम इसको थोड़ा सा और पीछे कर ले, लाइक हमें थोड़ा सा और काम आ जाएगी प्लीज। तो मैं यहाँ से इसको उठाकर फिर मैं कनेक्ट कर देता हूँ इधर। एक और एलईडी ले लेते हैं हम लोग, हमने दो एलईडीज क्योंकि यूज करनी, तो एक मैं आस फासले के लिए बस इस तरीके से कर रहा हूँ, एक हम लोगों ने यहाँ लगा दी। देखिए ये वोल्टेज की पिन हमारे पास मौजूद है, और ये जो पिन है ये ग्राउंड है, ग्राउंड सबकी कॉमन थी, तो इसलिए हम लोगों ने, मैं ग्राउंड निकालता हूँ यहाँ से और मैं डायरेक्टली ना यहाँ पर इस तरीके से ना यहाँ पर दे देता हूँ। अब ये ग्राउंड सबको मिलेगा, ठीक है, दोनों को कॉमन ले ग्राउंड, लेकिन वोल्टेज सबके अलग अलग पिन होंगी, तो हम पिन ले लेते हैं एक पिन नंबर 3 से हम लोग लेते। ओके, मैं इधर लाता हूँ और इस स्ट्रक्चर को हमारे पास मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से जो वोल्टेज जाएगी वो इसको जाएगी। सेम इसी तरीके से हम पिन नंबर 4 को करते हैं। इधर से मैं उठाता हूँ, यहाँ से मैंने इसको पिक किया, और इधर से मैं जाकर यहाँ पर अगेन क्लिक करके, और ये वायरिंग का स्ट्रक्चर। ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज कर ले ताकि हम लोगों को नजर आ जाए। अब मैं इसको लाइक येलो कर देता हूँ एक कलर, दूसरा कलर हमारे पास ये मौजूद है, और इस तरीके से हमारे पास ये एलईडीज कनेक्ट हो गई। अब इन पर हम लोग कोड करते हैं पिन नंबर 4 और 5 का। सबसे पहले तो पहली वीडियो में हम लोगों ने देखा था, अगर ये जो सीरियल मॉनिटर है इसको रन करना है तो हम लोगों को चाहिए सीरियल पोर्ट बिगिन। ठीक है, और ये होती है बॉड रेट, ने आर्डिनो, उन्होंने भी आर्डिनो आईडीई खोल कर दिखाया था कि बॉड रेट हमारे पास डिफरेंट बॉड रेट मौजूद होते। और फिर इसके बाद हम लोगों को पिंस डिफाइन करने में वाइड सेटअप से बाहर जाता हूँ।
मुझे ग्लोबली यूज हो जाए इंट LED 1 इक्वल टू, मैं नंबर 3 की कर देता हूँ, ठीक है, वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं इंट LED 2, उसको मैं इक्वल टू 4 डिफाइन कर देता हूँ, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, जब सीरियल में वैल्यू प्लेस करेंगे तभी वो एग्जीक्यूशन शुरू हो, तो इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है, इफ क्या लगाते हैं, सीरियल डॉट अवेलेबल, अगर सीरियल हमारी अवेलेबल है तो हमारे पास काम हो, अदरवाइज काम ना हो, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, अब मुझे ये पिन, सॉरी पिन मोड डिफाइन नहीं किया यहाँ पर, पिन मोड किसका, LED 1, हमने क्या करना है, आउटपुट लेना है, सेम इसी तरह फिर पिन मोड, और उसमें LED 2 जो हमारा मौजूद है उसका भी हम लोगों ने क्या करना है, आउटपुट लेना है, ठीक है। तो LEDs की 2 पिन्स नंबर 3 एंड 4 ये हमारे डिफाइन हो गई। अब हम क्या करते हैं, सीरियल से अगर आप लोगों को इनपुट लेना है तो मैं इंटीजर टाइप का भी इनपुट ले लेता हूँ, इंटीजर न्यू एम के नाम से इज इक्वल टू, बल्कि एन ही रख लेते हैं, एन इज इक्वल टू सीरियल डॉट पार्स इंट, ठीक है, इंटीजर में इनपुट लेने के लिए, फ्लोट में लेने के लिए पार्स फ्लोट, ठीक है, वो इनपुट एन में देगा। अब हम क्या करेंगे, हम कंडीशन लगाएंगे, इफ क्या हमारा जो एन है अगर वो इक्वल टू हो जाए 1 के, हम 1 पर क्या करते थे, इन नंबर 3 को हाई कर देंगे तो LED ऑन हो जाएगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिजिटल राइट, ठीक है, LED 1 कॉमा देते हैं और क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं, का मतलब ऑन हो जाए, ठीक है, और जब 2 प्रेस करेंगे तभी ऑफ होगी, तो हम लोग क्या करते हैं इसको करते हैं और यहाँ से इधर आते हैं, अब इनकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, तो हम क्या करते हैं इसको लो करते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह मैं LED 2 के लिए लगा लेता हूँ, अगर एन की वैल्यू क्या हो गई 3, तो LED 2 को हम क्या करेंगे, हाई कर देंगे, और सेम इसी तरह मैंने टेस्ट किया और मैंने क्या कहा, LED 4 हो गया एन की वैल्यू, इसका मतलब है LED 2 जो मौजूद है हम उसको क्या करेंगे, लो करेंगे, ओके, ये हमारे पास कंडीशंस लग गई। इसको हम लोग रन करते हैं, फिर देखते हैं आया कि हमारे पास एग्जीक्यूट होगा भी कि नहीं होगा, ओके, कहीं मिस्टेक्स, बिल्कुल ही सेमी कोलन नहीं लगाया मैंने, ठीक है। अब ये देखिएगा मैं जैसे 1 प्रेस करता हूँ, देखें ये LED 1 ऑन हो गई, अब मैं 2 प्रेस करने लगा हूँ ये ऑफ हो जाएगी, मैं 3 प्रेस करूंगा तो दूसरी LED ऑन हो, वो ऑन हो गई, अब मैं 4 प्रेस करूंगा तो दूसरी LED ऑफ हो जाएगी, ठीक है, 1 पर फर्स्ट LED ऑन है और 3 पर सेकंड LED ऑन है, अब मैं अपनी अकॉर्डिंग जैसे मर्जी एग्जीक्यूट कर लूँ, मैं दूसरी को ऑफ करना चाहता हूँ तो 4 प्रेस करूंगा और पहली को ऑफ करना चाहूंगा तो 2 प्रेस करूंगा, ठीक है। मैं एक और भी फीचर साथ इसमें डाल देते हैं, क्या अगर मैं 5 प्रेस करूँ तो दोनों LEDs ऑन हो जाए और मैं 6 प्रेस करूँ तो दोनों LEDs ऑफ हो जाए, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर रखते हैं अगर वैल्यू हो 5 तो LED 1 को भी हाई कर देंगे, LED 2 में हम हमारे पास ऑलरेडी है, फिर मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, LED 1 भी हमारे पास क्या हो जाए, हाई हो जाए, ओके, सेम इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, अगर वैल्यू हमारे पास एन की वैल्यू हो जाए 6 हो जाए तो दोनों हमारे पास क्या हो जाए, लो हो जाए, ठीक है। अभी देखिए रन करने लगे सीरियल मॉनिटर, रन, ठीक है, 2 पर ऑफ, 3 पर सेकंड ऑन, 4 पर सेकंड ऑफ, 5 पर दोनों ऑन और 6 पर दोनों ऑफ, क्या लाइक मुझे सब कुछ ऑन करना है तो मैं 5 प्रेस करूंगा तो जितनी LEDs है वो सारे के सारे ऑफ हो जाए, ऑन हो जाएंगे, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से हम जितनी भी LEDs लगाना चाहें तो हम LEDs लगाकर उनकी पिन मोड डिफाइन करके कंडीशंस बढ़ा सकते हैं, लाइक मैं एक और LED लगाऊं यहाँ पर, अब मैं कहूँ जी यार मुझे एक और LED दे दो और मैं इसको LED को यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, चले जी मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इसकी मैं वायर निकालता हूँ और वायर मैं यहाँ लगा देता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, पिन नंबर 5 जैसे मौजूद है तो मैंने उठाया और दरमियान में रख लेते हैं, तो
थोड़ा सा अगर मुझे स्पेस मिल जाए तो ठीक है। ये हमारे पास आ गई बिन, इसका मैं कलर भी दे देते, हम कलर हम 7 प्रेस कर देते। अब पिन नंबर 5 है, तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर मुझे वेरिएबल बनाना है। अब तो काम सिंपल है, पिन नंबर 5 ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, पिन का मोड डिफाइन करना है और एलईडी 2 मुझे एलईडी यहाँ पर स्टेबल, एलईडी 3 मेरे पास आउटपुट के तौर पर आ गई। अब 5 6 को मैं एलईडी 3 को दे देता हूँ और इनको हम लोग क्या करेंगे, मैं अगेन कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करेंगे क्या दोबारा से पेस्ट यहाँ पर ठीक है। क्यों 5 6 हो गया, 5 6 पे अब एलईडी आ गई, इसको हम क्या कर देते हैं 7 कर देते हैं, 7 पर हाई और 8 पर लो। 5 6 जो मौजूद है ना, इसमें हमारा नंबर 5 पर एलईडी 3 जो है वो हाई हो जाए और नंबर 6 पर एलईडी 3 जो है वो लो हो जाए, सिर्फ यही काम है। 7 पर हमारे पास 1 और 2 तो हाई है, 3 हाई नहीं है, 3 को भी हाई कर देता हूँ। 8 पर 1 और 2 तो लो है बट 3 लो नहीं है, मैं वो ले भी हम लोग क्या कर देंगे एग्जीक्यूशन कर लेंगे। अब ये देखें हमारे पास सबसे पहले तो वही हम अब 7 पर, पहले 7 पर नहीं था, 5 पर था, ये तीनों हाई, 8 पर लो, 1 फर्स्ट हाई, 3 सेकंड हाई और 5 थर्ड हाई। जब किसी वक्त भी किसी भी एलईडी को हम कंट्रोल कर सकते, ठीक है। हमने ब्रेडबोर्ड का भी देख लिया किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, इससे रिलेवेंट और क्वेश्चन होगा तो आप लोग कर लिए उससे पूछिएगा, और साथ के साथ जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट कीजिएगा आप लोग। ओके, अल्लाह हाफिज।